नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के बदरवार ग्राम करहिया में 5 जनवरी 2023 को होगा रोड कार्य का शुभारंभ। चिनोर वाया करहिया बितरवार रोड के कार्य का प्रारंभ होगा और धन्यवाद सभा की तैयारियों को लेकर ग्राम चिनोर में मंडल के सभी मित्रों, कार्यकर्ता, साथियों और जनसेवक बंधुओं के साथ मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक में करहिया रोड के स्वीकृत होने पर मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, परिवार के मुखिया एवं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सांसद विवेक नारायण शेजवलकर, प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट सहित वरिष्ठ नेतृत्व का आभार व्यक्त किया गया। कार्यकर्ताओं द्वारा रोड स्वीकृति हेतु किए गए अथक प्रयासों के लिए प्रतीक स्वरूप भाजपा वरिष्ठ नेता मोहन सिंह राठौर का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। राठौर द्वारा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के आगमन की तैयारियों में सभी ग्रामीण जन एवं जनसेवक साथियों ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली मोटरसाइकिल एवं चार पहिया वाहनों से पहुंचने का संकल्प लेकर धन्यवाद सभा में पहुंचने की जिम्मेदारियां सौंपी गई। मोहना से सूरजमला वरिया की रिपोर्ट। नमस्कार, इंडिया न्यूज 28 में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मोहन सिंह राठौर जी मौजूद हैं, जो कि भितरवार विधानसभा में लगातार अपनी सक्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हाल ही में जो जनता की जो समस्याओं को लेकर जिस तरह से काम कर रहे हैं, कि चाहे किसानों की समस्या हो या किसी खाद को लेकर समस्या हो, लगातार इनकी जो किसानों की जो सुन रहे हैं समस्याओं को सुन रहे हैं, वो लगातार निराकरण भी साथ ही साथ हो रहा है। एक खाद को लेकर बहुत ज़्यादा चल रहा था, खाद की परेशानी किसानों को काफ़ी हो रही थी। खाद की परेशानी जो किसानों को थी वो खाद के वितरण में विसंगति की वजह से थी। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खाद की कमी कोई नहीं रहने दी। केंद्र से पूरा खाद मध्य प्रदेश को मिला है और मध्य प्रदेश का खाद सब जगह ग्वालियर जिले को भी मिला है, लेकिन कभी कभी वितरण में जो विसंगति थी उसको हमने दूर किया है। चिनोर के लोगों को भितरवार लेने जाना पड़ता था, उसके लिए चिनोर में वेयर हाउस हमने शुरू कराया है। 2017 से बना पड़ा था लेकिन उसकी उपयोग नहीं हो रहा था, तो उसको शुरू कराया है और अब लगातार खाद मिल रहा है। अभी भी हमने चिनोर में आज खाद की कमी थी। आज ही मेरी जो डीएम है उनसे बात हुई, तिवारी जी से, और उन्होंने कल 600 बोरा खाद कल मिल जाएगा और सोमवार को फिर 600 मिलेगा। तो इस तरह से करीबन 15 टन खाद अभी 4-5 दिन में आया है, बढ़ चुका है और लगातार खाद की आपूर्ति रहेगी। और आज की हमारी जो मीटिंग थी वो हमने इसलिए भी रखी थी कि ताकि श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी 5 जनवरी को चिनोर से भितरवार से करहिया रोड है उसका धन्यवाद सभा है जो उन्होंने स्वीकृत किया उसके लिए, तो 5 जनवरी की सभा है उसकी तैयारी के लिए आज मीटिंग थी और सभी लोग उसमें इकट्ठे हुए थे और बहुत जोर शोर से और करीबन 15,000 से 20,000 लोग इकट्ठे होंगे उस सभा में और वो धन्यवाद है इस समाज के क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या हल हुई। आपने जिस तरह से भितरवार विधानसभा में गांव-गांव जाकर आपने देखा है, रोडों की समस्या बहुत थी और लगातार रोडों का काम भी शुरू हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि ये रोड जो आपने जाकर सर्वे किया उसके बाद ही बनाए जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आपकी मोहना से रानीघाटी और रानीघाटी से देवरी कांछा, ये रोड 42 किलोमीटर की थी और इस रोड की समस्या की वजह से लोगों को 50-60 किलोमीटर तक का चक्कर लगाना पड़ता था। अब वो रोड हमने 112 करोड़ रुपये की श्रीमंत सिंधिया जी से निवेदन किया, माननीय सेजुलकर जी हमारे सांसद जी हैं, प्रभारी मंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के पूरे प्रयासों से और वो रोड स्वीकृत हुआ है, काम प्रारंभ हो गया। महाराज की बहुत बड़ी एक सभा श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी ने लखेश्वरी माता मंदिर पर ली थी, वो शुरुआत हो गई और दूसरा रोड ये शुरुआत हो रहा है। इसके बाद हमारे क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्याएं जो पड़ जाएंगी सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया पर आपके कुछ फ़ोटो वायरल हो रहे हैं, जैसे कि अरसी डैम का जो लीकेज हो रहा था, तो आप गाँव में गाँव जाके लोगों के घरों तक पहुँच कर उस लीकेज को देखने गए थे, क्या कहना चाहोगे? दरअसल क्या है, हरसी हाई लेवल जो बनी थी कैनाल, उस कैनाल में नीचे काली मिट्टी डलनी थी और उसका जिस तरह से उसको बनाया जाना था उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई, जिसकी वजह से वो हरसी हाई लेवल जब थोड़ा पानी चलता था तब तो उतनी दिक्कत नहीं आती थी, अब जब वो पूरी कैनाल भर के चल रही है तो उस कैनाल का जो सीपेज का पानी है जो नीचे मुरम से निकलता है वो पूरे गाँव में भर रहा है, तो उस गांव में पानी भरने की वजह से गांव बहुत परेशान है, लोग बहुत परेशान हैं। तो उसके लिए हमने अभी माननीय तुलसी सिलावट जी से बात की है, उसके लिए एक योजना बनाई है और उस पूरे पानी को जो सीपेज का पानी है उसको गांव के बाहर निकाल के और उस बेलगड़ा जो गांव है उसको सुरक्षित करेंगे हम लोग। मतलब गांव यथावत उसी जगह पर रहेगा? हाँ, गांव रहेगा और गांव के लोग भी रहेंगे और उनके घरों में जो पानी भर रहा है जिसकी वजह से वो गांव छोड़ने पर मजबूर है, उस समस्या का भी निदान